फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शोरो चिशिन को हिट करने वाली होती है, तो आगे शोरो चिशिन को देखकर रिलैक्स फील करती है और अपने डिजाइन में लग जाती है। तो वो काम करते करते डेस्क पर ही सो जाती है, जहाँ चिशिन उसे एक ब्लैंकेट उड़ाता है और एक क्यूट सा सीन देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शोरो प्रेजेंटेशन हॉल देखने आती है, तो गार्ड उसे अंदर जाने से मना करते हैं कि तभी वहाँ पर जियान युआन आती है और कहती है, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। और जियान युआन शोरो को प्रेजेंटेशन हॉल दिखाती है और जियान युआन ही शोरो को ये कॉन्ट्रैक्ट दी होती है। आगे शोरो जियान युआन से कहती है, ये हॉल काफी बड़ा है, क्या मुझे कुछ और दिन मिल सकते हैं अपने काम करने के लिए? तो जियान युआन कहती है, तुम्हें कल तक ही काम कंप्लीट करना होगा, हमारी प्रेजेंटेशन कल है। वेल, इधर चिशिन से गलती से शोरो के डिवाइस पर पानी गिर जाता है, जिससे वो खराब हो जाता है। तो शोरो आगे घर आती है और जैसे ही वो अपने काम पर लगती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या हुआ है। वेल आगे चिशिन से पूछती है, ये सब क्या है? तो चिशिन कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती की वजह से हो गया है। तो शोरो हार्ट ब्रोकन होकर कहती है, सब खत्म हो गया, मेरा प्रोग्राम वर्क इस फोल्डर में लिखा था और वो डिलीट हो गया है, अब मुझे सारा काम दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो चिशिन कहता है, शोरो तुम्हारे पास कितना टाइम है? तो शोरो कहती है, 16 आवर्स। तो चिशिन कहता है, हम ये कर सकते हैं। शोरो कहती है, तुम्हें कैसे पता हम कर सकते हैं? यू नो व्हाट, मुझे ये डिजाइन बनाने में 2 रातें लगी हैं। लास्ट टाइम जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी और बार बार मैं कोशिश करना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है यहाँ तक आने के लिए। तो चिशिन कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या झेला है, मैं सच में अपसेट हूँ। शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुम कहाँ तक पहुँची हो, हम कंडीशन को देखते हुए कुछ कर सकते हैं। शोरो कहती है, गलती ये हो गई थी कि मैंने कंप्यूटर ऑफ करने से पहले इसे सेव नहीं किया था। मैंने जो एली कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था वो डिलीट हो चुका है। तो चिशिन कहता है, मैं एक कंट्रोलर और एलईडी खरीद कर लाया हूँ, चलो इसे ओल्ड प्रोग्राम में चेंज करते हैं। तो शोरो कहती है, ये गलत मॉडल है, मैं खुद खरीद कर लाती हूँ। वेल आगे शोरो आइसक्रीम खाती है। तो गाइस, आप तो जानते ही होंगे कि वो आइसक्रीम क्यों खाती है, गैस कीजिए। यस, आपने सही गैस किया, जब भी वो अपसेट होती है तो वो आइसक्रीम खाती है। तो शोरो अपना सामान भी खरीद चुकी होती है। वेल उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। गाइस, क्या आपने माई लिटिल प्रिंसेस ड्रामा देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उस ड्रामा लीड एक्ट्रेस लिन चिंग चैन की मॉम कौन थी। तो गाइस, इस ड्रामा में भी डिंग शोरो की मॉम का रोल उन्होंने ही किया है और इस एपिसोड से इस ड्रामा में शोरो की मॉम की भी एंट्री हो चुकी है। वेल ड्रामा में वापस आते हैं। तो शोरो की मॉम पूछती है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो शोरो कहती है, अच्छा मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, तुम दूसरों को मूर्ख बना सकती हो लेकिन अपनी मॉम को नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि बड़े शहरों में जॉब ढूंढना बहुत कठिन होता है, क्या घर आना एक अच्छा उपाय नहीं है? तुम यहाँ आकर रह सकती हो। वेल यहाँ इन दोनों का इमोशनल सीन देखने को मिलता है। शोरो कहती है, मॉम मैं अपने काम पूरे दिल से कर रही हूँ। डोंट वरी, उसकी मॉम कहती है, पॉइंट पर आती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? शोरो कहती है, नहीं मॉम, ये सिर्फ एक प्रोग्राम था। तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम जानती हो कि एक गर्ल को एक बॉय के साथ डेट करना टीवी में देखता हुआ कितना शेमफुल होता है? तो शोरो कहती है, मॉम इट जस्ट अ प्रोग्राम, मॉम मैं आपका सर शर्म से नहीं झुकने दूंगी। तो उसकी मॉम कहती है, आई नो, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कहा है, अपनी मॉम की एडवाइस को गंभीरता से लेना। वेल मैं फोन रखती हूँ। वेल आगे शोरो कैफी आती है, तो वो देखती है कि ये इतना खाली क्यों है और सब कहाँ चले गए हैं। तो गाइस, चिशिन ने उस कैफे को बुक कर लिया होता है और अपने एम्प्लॉइज और शोरो के साथ मिलकर उसका डिजाइन बनाते हैं और उसका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग काफी हैप्पी होते हैं। आगे वो लोग हॉल आते हैं और डिजाइन शिफ्ट करने लगते हैं। वेल तभी जियान युआन आती है और शोरो को बुलाती है। तो शोरो जैसे ही जाती है उसका पैर लाइट में फंस जाता है और उस पर वहाँ रखा एक डेकोरेशन बोर्ड गिरने वाला होता है, लेकिन तभी चिशिन आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और यहाँ इनका क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। वेल शोरो जियान युआन से अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराती है। तो जियान युआन कहती है, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तो तभी चिशिन भी उसके साथ जाता है। आगे जियान युआन उसको थैंक्स कहती है और चिशिन भी उसको थैंक्स कहता है कि शोरो की हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तो जियान युआन कहती है, मैं लोगों की हेल्प करके काफी हैप्पी होती हूँ। जियान युआन कहती है, चिशिन तुम शोरो की हेल्प क्यों कर रही हो? चिशिन कहता है, वो मेरी नेबर है इसलिए।
वेल, जियानी वान चीशिन से कहती है, मुझे लगता है डिंग शुरू एक अच्छी लड़की है जिसके साथ तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। चीशिन कहता है, तुम अपनी शुरुआत की बात करो। जियान कहती है, चलो शर्त लगाते हैं कि किसकी शुरुआत पहले होगी। वेल, इधर चैन जेंग जियानी वान के बारे में सबको बताता है और कहता है, जियानी वान 10 साल तक चीशिन बॉस की गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुनकर शोरो शॉक रह जाती है। वेल, आगे चीशिन और जियानी वान आते हैं और सब लोगों को कॉफी देते हैं। वेल, आगे उनका काम पूरा होता है और सब घर चले जाते हैं और शोरो चीशिन के साथ में जा रही होती है। वेल शोरो चीशिन से कहती है, क्या तुमने एक कहावत सुनी है कि घाव पुरुष के आभूषण होते हैं। चीशिन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। शोरो कहती है, जहाँ से तुमने छोड़ा है वहीं से शुरू करो। चीशिन कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो। शोरो कहती है, मैं जियानी वान के बारे में बात कर रही हूँ। तुमने बहुत पीड़ा सही होगी 10 साल के लिए, 10 साल के ब्रेकअप के बाद। चीशिन कहता है, तुम मेरी पसंद जानना चाहती हो और वो उसके क्लोज आ जाता है। तो जैसे ही वो उसके क्लोज आता है, शोरो की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो नार्कोलेप्सी की वजह से प्रेसिस हो जाती है। तो गाइस, शोरो भी तभी सोती है जब कोई स्पेशल मोमेंट आता है। वेल, आगे वो लोग घर आती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शोरो सोकर उठती है तो उसे वही मोमेंट याद आता है कि कल चीशिन उसके क्लोज आया था, लेकिन वो सो गई थी। वेल, वो सोचती है कल क्या हुआ होगा और फिर चिल्लाने लगती है। वेल, ये सीन काफी जॉयफुल होता है। आगे चीशिन घर आता है तो शोरो ब्लैंकेट ओढ़ी होती है। चीशिन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। शोरो कहती है, नथिंग। तो चीशिन उस पर हंसता है। वेल, शोरो बहुत क्यूट सा पोज बनाकर चीशिन से कहती है, कल क्या हुआ था। तो चीशिन उसे बताता है कि कल तुम सो गई थी तो मैं तुम्हें रूम तक उठाकर लेकर आया था। शोरो कहती है, थैंक्स। वेल, आगे चैन जा शोरो के घर आता है और उसे ड्रेस दिलाने लेकर जाता है अपने प्रोग्राम के लिए, जो ड्रेस काफी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव होती है। तो शोरो कहती है, सॉरी वेटर, मैं ये ड्रेस नहीं खरीद सकती। तो वेटर कहती है, डोंट वरी, आपकी ड्रेस का पेमेंट ऑलरेडी मिस्टर चैन जा ने कर दिया है। वेल, शोरो वो ड्रेस पहनकर आती है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो ये एपिसोड यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए। गाइस, आने वाला नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।